नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। रियो पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर दीपा मलिक ने रचा इतिहास। प्रतियोगिता में 4.61 मीटर गोला फेंका। सचिन तेंदुलकर और अभिनव बिंद्रा समेत दिग्गज खिलाड़ियों ने दी बधाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद अफरीदी के लिए वापसी के दरवाजे किए बंद। कहा, अफरीदी को मिले संन्यास लेने का मौका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के बाद अफरीदी ले सकते हैं संन्यास। दलीप ट्रॉफी में जीत के करीब कप्तान गौतम गंभीर की इंडिया ब्लू। शतक से चूके स्टुअर्ट स्पिनी, 356 रन पर सिमटी इंडिया रेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरुण भाटी को दिया 1 करोड़ का इनाम। रियो पैरालंपिक के ऊंची कूद में वरुण ने जीता था कांस्य पदक। ग्रेटर नोएडा के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं वरुण। पहलवान नरसिंह यादव की मदद के लिए आगे आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मामले की CBI जांच की उठाई मांग। PM नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स बनी कवि। न्यूयॉर्क फैशन शो में पढ़ी नारी शक्ति को दर्शाने वाली कविता। ओलंपिक के दौरान सेरेना ने लिखी थी कविता। तो ये थी खेल जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।